हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश पांडे अपने यूट्यूब चैनल ढोलक टीचर में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए मैं ये पिकअप एक एक करके आपको पहले सुनाता हूँ, फिर उसके बाद सिखाऊंगा आपको। तो देखिए, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर ये पिकअप बजा कहाँ है, किस गाने में बजा है। तो देखिए, आप जब पिकअप सीख लेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि ये पिकअप कहाँ बजा है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे में अगर बजाता रहूंगा, बताता रहूंगा, तो कितने गाने को आप लिखेंगे कि इस गाने में ये पिकअप बजा है। जैसे मैं एक सीधी सी बात बता रहा हूँ, ये भी पिकअप मैंने शुरू में ही रखा हुआ है, ताना ना ताना ना ताना, ये इतने गानों में बजा हुआ है कि मैं लिस्ट अगर तैयार करूँ तो कॉपी के 8-10 पेज भर जाएंगे। एक बहुत ही फेमस गाना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, उसमें भी ये पिकअप शुरू में ही बजा हुआ है, आपने सुना होगा। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, शुरू में ही वो पिकअप आ गया, ठीक है। तो बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, पहला पिकअप हमारा ताना ना ताना ना ताना, ठीक है। बहुत ही फेमस, बहुत ही जरूरी है इसको जानना, ठीक है। तो देखिए, ता तो ये होता है, मैंने बहुत सारे अपने वीडियो में बताया कि ये ता होता है, लेकिन यहां पर क्या है, सिर्फ हम ता बोल रहे हैं लेकिन ता के साथ का भी आ रहा है। लेफ्ट हैंड पे हम का मार रहे हैं, और का मारने का तरीका ऐसा है, इधर से पीछे से ये उठा रहेगा। बहुत लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, और जब वो वीडियो, मैं उन्हें को कहता हूं कि अपना वीडियो आप बना के भेजिए, तो ऐसे ही हाथ रखते हैं। तो उसे मैं कहता हूं, वीडियो में आपने क्या देखा? बोले सर, आपके 3 साल से वीडियो में देख रहा हूं। तो मुझे लगता है यार, ये वीडियो देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, भाई साहब मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, वीडियो आंख खोल के और कान से अच्छी तरह से सुनना है, देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। मैं ऐसे हाथ नहीं रखता हूं, लोग ऐसे हाथ रख के वीडियो बना के भेजते हैं, देखिए सर हम आपकी जैसा बजा रहे हैं। तो यार क्या कर रहे हो भाई, ऐसा हाथ रखना है, इस तरफ से उठाना है, और ऐसा होता है का या की, बहुत बार बताया मैंने, अब तो मैं बता बता के परेशान हो गया, लेकिन क्या करूं, आप लोग का प्यार है कि हिम्मत जुटाता हूं और वीडियो बनाता हूं। चलिए, ताना ना ताना ना ताना, बहुत जरूरी पिकअप है ये, अगर आप ये पिकअप नहीं बजाते हैं तो बेकार ही है, समझिए। चलिए, ता, तो ता जो है आपको ऊपर की फिंगर से बजाना है, ता ता, ये ता होता है, लेफ्ट और राइट दोनों। फिर है नाना, तो ता नाना ता नाना ता ना ता नाना ता नाना ता ना, ठीक है। तो ता नाना ता नाना ता ना, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, 5 मिनट 10 मिनट इसको प्रैक्टिस करिए। ता नाना ता नाना ता ना ता नाना ता नाना ता ना ता ना ता नाना ता ना, हाथ को थोड़ा सा उठा लीजिए इधर से, बहुत लोग ऐसे रख के ताना ना तान। अरे तबला नहीं है, तबला और ढोलक के बाज में फर्क होता है। तबला का तबले जैसे बजाना है, ढोलक को ढोलक जैसे बजाना है। अब आप इसको ऐसे करके बजाएंगे, ताना ना ताना ना ताना, ये तबले का बाज होता है, ताना ना ताना ना ताना, ये तबले में ऐसे बजता है, ढोलक में नहीं, ढोलक का बाज अलग है। लाउड बजाना है, तबला तो फिंगर से बजता है, ये तो पूरा हाथ से बजता है, दम लगाना है जरा। तो ताना ना ताना ना ताना, दिन ता दिन ता दिन ता ता दिन ता। इस ठेके का वीडियो पहले से चैनल पे अपलोड है, ढोलक का पहला ठेका, ठीक है। आप कभी भी, आप जो है जब सर्च करते हैं मेरे वीडियो को, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, लोग कहते हैं सर आपका वीडियो नहीं मिलता, कैसे मिलेगा, आप ढूंढी गलत रहे हैं। पहली बात है, आप एड्रेस सही दीजिए, अगर आप मेरे घर आना चाहते हैं तो आपके पास सही एड्रेस होना चाहिए, नहीं तो आप गलत जगह ही पहुंचेंगे। तो आप वीडियो को सही एड्रेस तो दीजिए, आप यूट्यूब को गलत एड्रेस दे रहे हैं। ढोलक का पहला ठेका, आप ढोलक का पहला ठेका बहुत नाम बहुत लोगों का है, ढोलक बेसिक लेसन आप डालेंगे बहुत सारे वीडियो आएंगे, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप डालेंगे सिर्फ राम स्वरूप, राम स्वरूप कितने हैं इंडिया में, तो उसको पूरा नाम दीजिए, राम स्वरूप, श्रीवास्तव, लखनऊ, दिल्ली, जबलपुर, सतना, जहां भी है
हरियाणा, पंजाब, देहरादून, मुंबई, दिल्ली, जहां भी आप उसको डे। अब वो मुंबई पहुंच गया, मुंबई में आप फिर बताइए अंधेरी, अंधेरी में फिर आप बताइए लोखंडवाला, लोखंडवाले में बताइए विनायक पैलेस, विनायक पैलेस में फ्लैट नंबर इतना, ये एड्रेस हुआ। तो ऐसे ही आप जो किसी का वीडियो खोज रहे हैं उसका नाम दीजिए आप, ठीक है? ढोलक फर्स्ट लेसन, ढोलक टीचर, मेरे चैनल का नाम है ढोलक टीचर, तो आप वो तो दीजिए कम से कम कि ढोलक टीचर, तभी ढोलक टीचर के वीडियो आएंगे, ठीक है? तो ढोलक फर्स्ट लेसन, ढोलक टीचर ऐसा लिखिए, फिर देखिए मेरे चैनल की वीडियो आएंगे। ढोलक सेकंड लेसन या ढोलक का दूसरा ठेका, ढोलक टीचर। ढोलक का तीसरा ठेका, ढोलक टीचर। ढोलक का चौथा ठेका, ढोलक टीचर। आप ऐसा लिखिए, वीडियो कैसे नहीं आएगा। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने पिकअप, जो है तानाना तानाना ताना शब्द लिख लीजिए आप, तानाना तानाना ताना। एक बार देखिए, मैं इसमें बोल देता हूं, धिनता चित्ता चित्ता धिनता। यह सिर्फ 8 शब्द हैं, ठीक है? ये भी लोग नहीं याद कर पाते हैं, 3 साल से वीडियो देख रहे हैं, कहते हैं सर मैं जो 3 साल से वीडियो देख रहा हूं, धिनता चित्ता चित्ता धिनता, ये सही ढंग से नहीं बोल पा रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी मेहरबानी करिए, टाइम बर्बाद मत करिए, 3 साल बहुत होता है, ढोलक 6 महीना से ज्यादा सीखने की चीज नहीं है। आपको चलना आ गया, दौड़ने में आपको टाइम लग सकता है, रेस जीतने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन ढोलक 6 महीना मतलब आप ठीक ठाक बजा सकते हैं, अच्छा कुछ बजा सकते हैं। ताना ना ताना ना ताना, ठेका के साथ धिनता चिपता चिपता धिनता, ताना ना ताना ना ताना, धिनता चिपता चिपता धिनता चिपता चिपता धिनता, ताना ना ताना ना ताना। और ये सिर्फ खड़े ठेके के साथ नहीं बजेगा, जितने भी ठेके होते हैं सबके साथ ये पिकअप लगता है, ठीक है? अब जैसे डीसी ठेका के साथ भी मैं आपको दिखाता हूं, 3 4 2 3 4, डीसी ठेका, मटका ठेका के साथ, एलपी ठेका, सबके साथ आता है। और इतने गानों में ये बजाया गया है, इतने गानों में बजाया गया है कि इससे ज्यादा एक और पिकअप है जो इसके बराबर में कह सकता हूं कि ये बहुत बजाया गया है। इसको ये पिकअप भी बहुत ज्यादा बजाया गया। मैं भी आपको इसके बाद ही मैंने लिख के रखा है और इसके बाद ही मैं आपको ये पिकअप बताने वाला, लेकिन चर्चा आ गई इसलिए बता दिया। तो ताना ताना इसमें कुछ बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, 3 बार नाना आ रहा है, फिर 3 बार नाना आ रहा है, फिर 2 बार नाना है। पहले ता के साथ का आता है, ता, ये ता जो है ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड भी यूज हो रहा है। ताना 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 ताना। फिर से एक बार बजा देता हूं, फिर दूसरे पिकअप में चलेंगे, 2 3 4। कि साइन लाइन क्या है, क्रॉस लाइन क्या है, म्यूजिक क्या है, M1 क्या है, M2 क्या है, अंतरा क्या है। तो इसके लिए क्या होता है, मैं सबसे कहता हूं कि आपको सारी बातें एक ही वीडियो में मिल जाए, एक ही जगह मिल जाए, एक साथ मिल जाए, ऐसा बहुत ही मुश्किल है। तो आप थोड़ा हो सके तो आप टाइम निकाल कर और क्लास करिए, क्योंकि क्लास में जो होता है बहुत फर्क पड़ता है। एक क्लास में मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे एक जंगल है, बहुत सारे पेड़ है, कौन सा पेड़ सूख गया, कौन सा पेड़ नहीं सूखा, कौन सा पेड़ कट गया, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन वही हमारे घर का कोई पेड़ है जिसके ऊपर आप ध्यान देते हैं, यार इसमें कीड़े तो नहीं लग गए, ये खराब तो नहीं हो रहा है, ये सूख तो नहीं रहा है, इसमें पानी डालना भी जरूरी है, आप उसका केयर करते हैं। बस यही अंतर होता है जंगल के पेड़ में और जो घर का पेड़ होता है। तो अगर आप क्लास करेंगे तो आप घर के पेड़ जैसे आप
की रखवाली की जाएगी। आपको तिरकिट नहीं बज रहा है, आपको पिकअप नहीं बज रहा है, आपको पैटर्न नहीं बज रहा है, आपको थोड़ा सा जो इस म्यूजिक लाइन का जो बातें जानने के लिए जरूरी है वो भी आपको बताई जाएंगी, क्योंकि क्लास का टाइम इतना होता है कि आप भरपूर आपको जनरल नॉलेज भी मिलेगा। तो चलिए, ये तो बातें हैं, अगर आप समझ सकेंगे तो जरूर आप, मेरा नंबर है वीडियो में, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं क्लास के लिए। तो